हम केवल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि हम भागीदार बन रहे हैं। अभी राकेश टिकैत जी से मुलाकात हुई है और विशेष रूप से आज मुलाकात के वास्ते ही भी आया था कि अब समानांतर इस देश में दलित पंचायत हो जिस पर किसान आए। अभी तो किसानों की पंचायत है और हमने उसकी शुरुआत 28 फरवरी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से शुरू किया है, तो अब और लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद किया गया, एक दिन में इससे बहुत कम मेहनत में इस मोदी सरकार को घुटने टेकना पड़ा था और संसद के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था SC ST एक्ट के बारे में उसको चेंज करना पड़ा था, सुधारना पड़ा था। तो आज राकेश टिकैत जी से मैंने यही कहा कि अभी तक तो आपके मंचों पर लोग आते हैं, या तो मंच पर बोलते हैं या तो शरीक होते हैं, अब समय आया है कि दलितों का भी उतना ही नुकसान हो रहा बल्कि ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 2014 से उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, आरक्षण ख़त्म हो गया, सारी संवैधानिक संस्थाएं मर गई हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावी दलित हो रहा है। दलितों को अपने मंच पर बुला करके किसानों से ये कहना चाहिए हम आपके साथ हैं, और किसान के मंच पर जब दलित जाए तो कहे हम आपके साथ हैं। और जिस दिन ये हो गया मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस सरकार को घुटने टेकना पड़ेगा। तो आज बल्कि एक बड़ी पंचायत का फैसला लिया है, आमंत्रित करने आए थे तरसिम सिंह सियालका जी अमृतसर से, 25 मार्च को अमृतसर में दलित पंचायत है जिसमें गुरनाम सिंह जी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, हरमीत सिंह कादिया भी हैं और नेता भी जा रहे हैं, दलित मंच पर जा रहे हैं, दलितों से कहने के दलितों तुम्हारे इस समय यही बचा सकते, तो दोनों को मिल करके लड़ना पड़ेगा। 1 और 1 11 होंगे। तो ये दरसिंह सिंह सियालका जी पंजाब से आए। लेकिन सर, जब से आपने दलित पंचायत की शुरुआत करी, आपने किसानों के समर्थन में दलित पंचायत करी है, हमने देखा कि मंच पे जब से राकेश टिकैत ने कहा कि अब जय भीम का नारा भी साथ लेके चलना पड़ेगा, तो क्या उसका असर पड़ा है? असर तो बहुत पहले से ही है, हम तो शुरू से आ रहे हैं। हमें मालूम है कि विपक्ष की पार्टियां नाकाम साबित हुई 6.5 साल से संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, नौकरियां दिलाने में, सरकार को होश में लाने के लिए, और किसान आंदोलन ही एक ऐसा पर्वत की तरह खड़ा हुआ जो मुकाबला कर रहा और पीछे इनको ढकेल करके रहेगा, उसका साथ देंगे दलित तो दलितों की भी नैया पार हो जाएगी। 3 महीने क्यों लग गए किसानों को कि अंबेडकर की भी जरूरत है इस आंदोलन में? देखिए, ऐसा है कि परिस्थितियां बदलती रहती है, देर आए दुरुस्त आए, और अब दलितों का हर्ज नहीं है, इनको तो इनके पहले आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन दलित लोग जातियों के नाम पर संगठन खड़ा कर लिए हैं, लाखों संगठनों, एक तो संगठनों बढ़ गए और जातियों के संगठनों बढ़ गए, सामाजिक संगठन, उनकी तो ज़्यादा उनके ऊपर मार पड़ी, उनको तो बहुत पहले सड़कों पर निकलना चाहिए था लेकिन नहीं निकल पाए थे, अब तो निकलें कम से कम इनके सहारे, इनके साथ खड़े होकर के अपनी कुछ बचत कर लें। सर, आप दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों का एक संगठन इन्हें समर्थन देने आया था, इन्होंने मना कर दिया उनका समर्थन लेने। देखिए, ऐसा अपवाद को नहीं देखना चाहिए, अपवाद होता है कुछ इनकी अपने तौर तरीके होते हैं, मैंने तो कभी नहीं किया, किसी को नहीं किया, अनुशासन ढंग का, आप किसी का जाकर के मंच कब्जा करने की कोशिश करेंगे फूहड़पन से तो ये अच्छी बात है, आप संयम बरते डिसिप्लिन के साथ में, मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा क्वाड्रिल एटमॉस्फियर है, और लेकिन ये उधम मचाना ये खेल नहीं है, इनका पूरा आंदोलन बिगड़ जाएगा, हर आदमी आकर के अपना झंडा लगा करके उछलने लगे, वो तरीका गलत है। लेकिन सर, कल राकेश टिकैत जी पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, वहाँ पर चुनाव है, कितना फर्क पड़ेगा? आज गुरनाम सिंह जी पहुँच गए हैं, कल राकेश जी जाएंगे, और फर्क थोड़ा देरी जरूर हो गई है, लेकिन सरकार झुकेगी और अपील करेंगे तो जरूर असर पड़ेगा। सर, जो बंगाल में नंगा नाच चल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं आप? कोई किसी पे देखिए, ऐसा है कि जब मोदी जी नोटबंदी पर रो दें और इस पर नोटबंदी पर रोक दे, 15 लाख रुपया देने का झूठ बोल सकते थे, नाटक और ड्रामा उनका चले तो कोई बात नहीं, उन्हीं के नाम से रजिस्ट्री है क्या? अब ममता जी ने भी जवाब दिया है, तो इनके नाम से ही रजिस्ट्री नहीं है ड्रामा करना नाटक करना। अब ये बंगाल में फंस गए हैं, बंगाल में बुरी तरह से हार के आएंगे।
सर ममता हराएंगे या बीजेपी या गठबंधन? कोई भी हराए लेकिन बीजेपी हारेगी। लेकिन सर कल के हमले को तो कांग्रेस कह रही है कि ये तो एक पाखंड है ममता का। देखिए ऐसा है, मैं उसके ऊपर नहीं जानता हूँ, इस समय विषयांतर हो जाएगा। हम किसानों के बारे में आए हैं, तो एक पाखंड का दूसरे पाखंड, बड़े पाखंडी बहुरूपियों का जवाब देने के लिए ममता ने भी ऐसा कर दिया होगा संभव। तो क्या उसका माइलेज मिलेगा चुनाव में कल वाली? मैंने तो देखा लहर चल गई है वहाँ पर, एक सिंपैथी की लहर चल गई है, देश की जनता भी तो महान है। तो सर क्या ईवीएम को आप लगातार विरोध करते रहे, क्या ईवीएम का भी कुछ आपको शंका है वहाँ? ईवीएम का शंका है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही होता है, लेकिन अब इसका सैटेलाइट से भी हो सकता है और लाखों किलोमीटर दूर से भी इसकी हैकिंग हो सकती है, तो ईवीएम का डर तो है। सर ये जो दलित पंचायत का आप लोगों ने सिलसिला शुरू किया, आपने शुरुआत कर, तो अब पूरे देश में होंगी क्या? अभी तो कह रहा हूँ कि 28 फरवरी के यहाँ हुई थी, 6 मार्च को मिदनापुर बंगाल में हुआ था, 25 मार्च को अमृतसर में हो रहा है, 10 अप्रैल को हरियाणा में हो रहा है, 25-50 पंचायतें हो जाएंगी। मैं गारंटी से कहता हूँ कि मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा।